हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हमारी एक यूनियन टेरिटरी, इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है लक्षद्वीप, जो कहाँ पे है? अरब सागर पे है। अब ये अरब सागर या अरब सी किधर है? ये इंडिया पड़ता है, तो इंडिया के इस साइड में अरब सी है, ये अरब सी का एरिया है और यहीं पे पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। इसके बारे में पढ़ेंगे। सीन क्या है यहाँ का? जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या हुआ? जैसे स्टेट में क्या चुने जाते हैं? स्टेट में होते हैं ना CM, चीफ मिनिस्टर। सेम वैसे ही लक्षद्वीप या यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये चुने नहीं जाते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट या राष्ट्रपति द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। ऐसे ही चुन के भेजे गए हुए हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ठीक है ना। ये क्या करना चाह रहे हैं? वहाँ पर ढेर सारे मतलब बदलाव लाना चाह रहे हैं, इसके वजह से ढेर सारा प्रपोजल ला रहे हैं। प्रपोजल ला रहे हैं लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इनका कोई भी प्रपोजल। हर एक प्रपोजल से लोगों को दिक्कत रह रहा है, ठीक है ना। अब ये दिक्कत क्यों है ये आप लोग बताएंगे हमें, क्योंकि मैं आपको प्रफुल्ल खोड़ा के बारे में बता दूंगा और लक्षद्वीप के बारे में बता दूंगा और क्या क्या प्रपोजल ला रहे हैं उससे लोगों को क्या दिक्कत है ये बताऊँगा। आप लोग डिसाइड करिएगा सही कौन है, सही गलत, गलत कौन है, ठीक है। मैं आप पर छोड़ दूँगा, ठीक है। मेरा यहाँ कुछ बोलना कंट्रोवर्सियल हो सकता है, ठीक है। चलिए तब अब ये प्रपोजल बाद में देखेंगे, पहले जानते हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के बारे में, ठीक है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जानने से पहले मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, इसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, ठीक है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, पॉलिटिकल करियर जो है शुरू होता है कब से? 2007 से, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं हमारे गुजरात के, गुजरात के रहने वाले हैं। वहाँ के हिम्मतनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुने जाते हैं, हिम्मतनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं और इनका शासन रहता है 2012 तक, ठीक है। 2007 से 2012 तक ये हिम्मतनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं। बीच में क्या होता है, 2010 से 2012 तक ये होम मिनिस्ट्री में भी रहते हैं, उस स्टेट के यानी गुजरात के होम मिनिस्ट्री इन्हीं का अंडर रहती है। ये मेनली किससे हैं? ये आरएसएस से हैं, आरएसएस से हैं। 2012 के बाद अगले चुनाव में ये हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद से इनका वहाँ का कैरियर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद से मोदी जी 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, ठीक है। 2014 में पीएम मोदी बने, पीएम मोदी बने। अब इन्होंने क्या किया, इनको 2016 में दमन एंड दीव, दमन एंड दीव का एक जो दूसरा यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, यहाँ का इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, ठीक। 2016 में इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? मेनली आदमी को आईएएस होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए? आईएएस होना चाहिए। लेकिन ये ना आईएएस है ना कुछ है, मोदी जी ने इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया यहाँ का, ठीक है। मोदी जी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं बिना बिना आईएएस के, ठीक। अब ये दमन एंड दीव के बनते हैं, उसके बाद एडिशनल चार्ज इनको दिया जाता है दादरा एंड नगर हवेली का भी, दादरा एवं नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्स्ट्रा चार्ज इनको दे दिया जाता है, ठीक। तो बातें समझ में आई। अब इसके देने के बाद से क्या होता है, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दमन एंड दीव का मिक्सअप हो जाता है, दोनों मिलके एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है। तो ये यहाँ के पहले एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, ठीक। यहाँ के पहले एडमिनिस्ट्रेटर इनको चुना जाता है, कहने का मतलब है दोनों के अलग अलग थे, फाइनली एक एडमिनिस्ट्रेटर इसके बन जाते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो साथ में इनको एक और एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, किसका? ये लक्षद्वीप का भी एडिशनल चार्ज इनको दे दिया जाता है, मतलब लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए जाते हैं। कब? 5 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अभी टोटल दो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक तो लक्षद्वीप, दूसरा दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव, दोनों एक एक है और ये लक्षद्वीप, दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ आए, अब यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे प्रपोजल लाए जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। क्यों पसंद नहीं आ रहे ये आपको डिसाइड करने के लिए बोला था। ये लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं कि लक्षद्वीप क्या है, कैसा है, क्या क्या सीन है उसका, ठीक। ये कुछ प्रपोजल्स हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2011 सेंसस के हिसाब से 65,000 है, मात्र 65,000 है। और ये कहाँ है? अरेबियन सी है, ये हम लोग का अरेबियन सी है,
यहाँ पे लक्षद्वीप है, छोटा सा है, इसमें टोटल 36 आइसलैंड है, छोटा सा है लेकिन 36 आइसलैंड, छोटे 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 36 है। इसमें बीच में कवरत्ती इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप आजकल न्यूज़ में है, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पूछ सकता है कौन है, सबसे कम जनसंख्या भी इसकी है या सबसे छोटी है, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सिटी जो है एंड्रॉट है, इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस बढ़ गए हैं इसके, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, दिसंबर से ही। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, उस टाइम में इसका नाम था अमिंदवी मिनिकॉय, और अमिंदवी मिनिकॉय करके था इसका नाम उतने टाइम, ठीक है। उस समय भी ये यूनियन टेरिटरी के नाम पे आया था, ठीक है। उस टाइम बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ा जो नाम था वो लक्षद्वीप का ही था, बाद में उसको चेंज करके लक्षद्वीप बना दिया गया था। लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट कितनी है, 91.85% लोग, बहुत सारे लोग लिटरेट हैं। क्यों है, क्योंकि ये केरला के जस्ट बगल में है, तो केरला का इफेक्ट इस पर काफ़ी अच्छा खासा पड़ता है। केरला में भी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। केरला में भी कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, एनसीपी। और यहाँ के सिर्फ एक ही लोकल एमपी हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद फैजल पीपी, जो 2014 से हैं, ठीक। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं और दिवेनी बोलते हैं, दिवेई बोलते हैं। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, ये ध्यान देने वाली बात है, 96% मुस्लिम हैं और शेड्यूल ट्राइब 94% है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या सीन होना चाहिए कि इनका ट्रेडिशन में कोई, ट्रेडिशन और कल्चर जो है उसको कोई परेशान ना करे, लेकिन जो ये प्रफुल्ल हैं इनके ट्रेडिशन और कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों का क्या सीन है, इनको बीफ एज ए भोजन चाहिए, और ये कॉ स्लॉटर के एकदम अपोज हैं, अपोजिशन में है, ठीक है। तो ये था कुछ लक्षद्वीप के बारे में, प्रफुल्ल के बारे में बता दिया, लक्षद्वीप के बारे में बता दिया। अब चलिए आपको मैं प्रपोजल बताता हूँ, क्या क्या प्रपोजल लाया, लोगों को क्या क्या दिक्कतें उससे होने वाली हैं। दिसंबर 2020 में इन्होंने अपना गद्दी पकड़ा, और 2021 में रूल लाया, क्या नाम था उसका, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट 2021 लाया। कौन लाया, प्रफुल्ल जी लाया। इसके अंतर क्या था कि बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काऊ, काऊ के काट पीट पे रोक था, काफ बच्चे उसके, बुल बैल और काऊ भैंस के, इन सबको लोग, ये लोग क्या करते थे, काट के बना के खाते थे, तो ये तो आरएसएस वाले ठहरे, ठीक है। इनको रिफॉर्म लाना था, हर जगह इंडिया में काऊ बैन है, काऊ स्लॉटर बैन है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। और जो भी काटते हुए या सेल करते हुए या ट्रांसपोर्ट करते हुए इन चीज़ों को अगर पाया गया, उसको 1 साल की जेल हो जाएगी और 10,000 रुपये फाइन लगाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्रपोजल इन्होंने लाया यहाँ के पीपल के लिए, ये लोगों को पसंद नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये इनके कल्चर शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, ट्राइबल लोग के कल्चर को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, इन्होंने क्या किया, कल्चर को डिस्टर्ब किया। दूसरा, इनकी ईटिंग हैबिट को भी डिस्टर्ब किया, ईटिंग हैबिट मुस्लिम लोग खाते हैं, इनको अच्छा लगता है, तो इनकी ईटिंग हैबिट को भी डिस्टर्ब कर दिए। अब वो भी कैसे, इन लोकल पीपल से कंसल्ट नहीं किए, खुद से मनमानी ये रूल ला दिए, इसके वजह से लोग इसके अगेंस्ट, इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं, ठीक है। दूसरा प्रपोजल क्या है, टू चाइल्ड पॉलिसी। अब जो गांव वाला जो एरिया है, ग्रामीण दिल्ली, वही पंचायत रेगुलेशन एक्ट लाया यहाँ पे, पंचायत रेगुलेशन, ठीक है। पंचायत रेगुलेशन में कह दिया भैया कि दो आदमी से, यानी एक किसी आदमी के दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है, दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी वो उस ग्राम पंचायत का मेम्बर रह सकता है। अगर दो से ज़्यादा बच्चे हो गए उनके, तो ग्राम पंचायत के मेम्बर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। इस पंचायत रेगुलेशन एक्ट के अंदर इन्होंने ये चीज़ लाई और कहा कि अभी तक जिनके दो से ज़्यादा उनके लिए ठीक है, लेकिन अब इसके बाद से अगर किसी के दो बच्चे होते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो इसके मेंबर नहीं रह पाएंगे, ये भी कहा उन्होंने। अब लोकल को ये बात अच्छी नहीं आई, लोकल क्वेश्चन द मोटिव, ठीक है, लोकल जो हैं वहाँ के, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं, लोगों का कहना है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, जितने आए सही हैं, ठीक है। और ये बात एनसीपी को भी नहीं पसंद आई, एनसीपी की महा सरकार है ना, लोकसभा में है ना एनसीपी का हामिद, तो इन लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आई, इसके वजह से ये लोग को दूसरा जो इनका प्रपोजल है उससे भी दिक्कत है, और इसका अपोजिशन कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगला प्रपोजल क्या लाए थे, लैंड एक्विजिशन का एक्ट लाए थे। लैंड एक्विजिशन का एक्ट क्या था, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन लाए, लक्षद्वीप
डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट किए या लाए, ठीक है। इनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पे टाउन का डेवलपमेंट होना चाहिए, टाउन का डेवलपमेंट करें, भले ही लोगों को वहाँ से हटा के करें या फिर लोगों को हटाएं, वही तो लिखा है चेंजेस द वे लैंड कैन बी अक्वायर्ड एंड यूटिलाइज, लोगों को हटाए और उनकी ज़मीन अक्वायर करें और वहाँ पर टाउन प्लानिंग करें, ठीक है। तो ये तो लोगों को वहाँ से पूरी तरह हटाना है, ऊपर से वहाँ कोरल रीफ हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, हम लोगों के इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ से, मतलब कार्बन सिंक टाइप का है, कार्बन सिंक मतलब ढेर सारे पेड़ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, वो सारे भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए लोगों ने इसका अपोज किया। अब देखिए लोग यहाँ पे क्यों इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों से कंसल्ट भी नहीं किए थे, लोग जो वहाँ रहने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना होता है तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन लोगों से कंसल्ट करना होता है, ये बिना कंसल्टेशन के सारी रूल्स रेगुलेशन ला रहे हैं, ठीक है। और ये इस लोगों को ये भी डर लग रहा है कि जो लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और टूरिज्म प्रोजेक्ट जो बनेंगे वो क्या करेंगे, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग के सीन आएंगे, टेम्परेचर वहाँ भी बढ़ने लगेगा, लोगों का रहना वहाँ भी दिक्कत करेगा, जैसे शहरों में होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, सेम वही सीन वहाँ भी होने के सीन बन रहे हैं, इसकी वजह से लोगों ने इसका अपोज किया। और दूसरी बात, यहाँ के जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है उन लोगों को वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरे जगह, ठीक है। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से उनकी सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, वो वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि मेरे पुरखों की ज़मीन है मैं क्यों कैसे छोड़ के चला जाऊँ, तो ये भी इन लोगों के साथ सीन होने वाला है कि पुरखों की ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा, इस वजह से लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा था। चौथा क्या है, एंटी सोशल एक्टिविस्ट रेगुलेशन, इसको एंटी गुंडा एक्ट भी कहते हैं या गुंडा एक्ट कहते हैं, इसको गुंडा एक्ट भी कहते हैं। ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन लाए, इसमें कहा कहा कि उन लोगों को एक साल की जेल हो जाएगी जो लोग किसी टाइप का पब्लिक आर्डर नहीं मानते हैं, ठीक है, एक्टिंग द मैनर प्रिजुडिस टू द सर्कमिस्टर ऑफ पब्लिक आर्डर, मतलब जो लोग पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब करते हैं उन लोगों को एक साल की जेल हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि ये जो जो प्रपोजल ला रहे हैं उसको लोग माने, अगर नहीं मानेंगे तो उनको एक साल की जेल हो जाएगी, कहने का सीधा अर्थ यही है, ये इसी का नाम गुंडा एक्ट इन्होंने दे दिया है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग ड्रग का भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, ड्रग्स आर बीइंग सीन फाउंड, दिखा अलॉन्ग विद बीपन, बीपन मतलब कोई शस्त्र भी देखे हैं, और लाइव एम्यूनिशन, एम्यूनिशन क्या होता है, आर्म एंड एम्यूनिशन, लड़ाई करने में जो इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं हमने इनके साथ देखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, जो अपने यूथ हैं इन सबको बचाने के लिए ये रूल और रेगुलेशन ला रहे हैं, कौन सा एक्ट, गुंडा एक्ट ला रहे हैं, ठीक है। के कहने का अर्थ है कि लोग यहाँ के जो हैं आर्म एम्यूनिशन और ड्रग का सप्लाई करते हैं और यूथ को इनसे बचाएंगे, इसके लिए हम ये गुंडा एक्ट ला रहे हैं, ठीक है। और लोगों का कहना है कि जो सबसे लोवेस्ट क्राइम रेट है इंडिया का, जो लोवेस्ट क्राइम रेट वो कहाँ है, लक्षद्वीप में है, इंडिया का जो सबसे लोवेस्ट क्राइम रेट है लक्षद्वीप में है, ये सारी चीज़ें हो ही कैसे सकती हैं, लोगों का कहना है कि जब लोवेस्ट क्राइम रेट है तो ये हो कैसे सकता है, यानी इसीलिए ये इनका अपोज कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। चौथा एंटी गुंडा एक्ट का ऐसा अपोजिशन किया गया। फिर उसके बाद से दिसंबर 2020 तक ये ग्रीन जोन में था, दिसंबर 2020 तक ये ग्रीन जोन में था, कौन ग्रीन जोन में था, लक्षद्वीप ग्रीन जोन में था। अब ये आए भाई साहब, इन्होंने क्या किया, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का जो मेन जो उद्योग है वो टूरिज्म है, जो भी कमाई होती है टूरिज्म से होती है, सब ठप पड़ा हुआ था, अब क्या किया इन्होंने, आया और टूरिज्म खोल दिया, ठीक है, टूरिज्म खोल दिया। और शर्त रखी कि दो दिन पहले अगर आप COVID-19 का चेकअप कराते हैं उसमें अगर आप निगेटिव होते हैं तो आप आ सकते, दो दिन में अगर आपको कोविड कोरोना नहीं है तो आप आ सकते हैं टूरिज्म, आराम से आके RT-PCR चेक कराइए और आइए घूमिए फिरिए और जाइए। दूसरा ये भी किया था टूरिज्म के लिए इन्होंने दारू जो बैन था उसको भी चालू कर दिया था, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की मेन कमाई जो होती है वो दारू से ही होती है, अल्कोहल लिकर से ही होती है। अभी देखा ना आप लोगों ने दिल्ली में होम डिलीवरी हो गई है शुरू, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो, दिल्ली में होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई है किसकी, लिकर की, दारू की, इंग्लिश और हिंदी सब, सारी कमाई लिकर से होती है, बताया तो था 2.5 लाख करोड़ सिर्फ एक सालाना इनकम है, सिर्फ सालाना टैक्स आता है, सिर्फ इनकम नहीं टैक्स होता आता है सिर्फ दारू से, ठीक है ना। तीनों ने लिकर भी स्टार्ट कर दिया टूरिज्म के लिए, और टूरिज्म के लिए शुरू भी कर दिया आना, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग आ गए, ठीक है भाई। 48 घंटा ट्रैवलिंग के पहले अगर लक्षद्वीप में आने से पहले उनको कोरोना नहीं है, RT-PCR से चेक कराएंगे, 48 घंटे के अंदर अगर देख लिया नहीं है निगेटिव हैं तो वो लोग आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे 73,000 केसेस आ गए, ये ग्रीन जोन से कोविड जोन बन गया, और 28 डेथ भी हो गई, 28 लोग मर गए,
ठीक है, मई का सीन है ये, मई तक 5 महीने में 7300 केस आ गए, 28 लोग मर गए। और इस चीज़ के लिए लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, ब्लेम सही कर रहे हैं भैया। जब ग्रीन जोन में है, आपको पता है कि दिक्कतें हो सकती हैं, तो काहे लिए खोल रहे हैं आप टूरिज़्म, टूरिज़्म तो खोल रहे हैं, साथ में अल्कोहल भी उनके लिए अलाउ कर दे रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल की वजह से भीड़ बढ़ती है, लोगों का मिलजुल बढ़ने लगता है, पीने के बाद लोग किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता चलता। अगर होश में रहते हैं तो पता है भैया कोरोना है, थोड़ा दूर रहा जाए, पी लिए तो नहीं पता चलना है, ठीक है ना। तो बैन करना, जो लक्कर पे बैन खोलना था, वो भी इनके लिए दिक्कत साबित कर गया, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम में। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें हैं, कि ये जो प्रपोजल लाए वो कैसा है, सही है या गलत है, लक्षद्वीप के लोग सही हैं या प्रफुल्ल के पटेल सही हैं जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक देख लिए उसके लिए धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम गोली ट्यूटर है, सभी लोग क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और सारे कंटेंट लाता रहूँ हमेशा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसे ऐसे और सारे मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या जानना है कैसे जानना है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊँगा। धन्यवाद।